जर्मन बॉटनिस्ट, और अच्छे से सुने इनके बारे में. शी इज एट दैट टाइम, इनकी जो फर्स्ट बुक जो आई थी प्लांट एनाटॉमी इन 1954 के अराउंड, एंड द सेकेंड बुक द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स. अच्छे से देखें. नेक्स्ट वन, एक छोटा सा पॉइंट और, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका जो पब्लिकेशन, फर्स्ट पब्लिकेशन जो इनका आया था वो क्या था कि कर्ली टॉप वायरस को इन्होंने वायरस की स्प्रेडिंग को डिस्कवर किया था, कि कर्ली टॉप वायरस जो है प्लांट के अंदर फ्लोएम टिश्यू के थ्रू पूरे प्लांट के अंदर स्प्रेड होता है. इस पर फर्स्ट पब्लिकेशन इनका था. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक नीट एग्जाम के अंदर ना तो कर्ली टॉप वायरस पे क्वेश्चन पूछा गया है, ना ही एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स एंड इनकी बुक्स. ये 1960 के अंदर, ये 1960 इन 1954, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए. शी इज ऑल्सो नोन एज द वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी. क्या बोल सकते हो, वेबस्टर ऑफ एनाटॉमी, ये बोल सकता हूँ मैं. आप कहोगे सर एनसीईआरटी के अंदर तो इस तरीके से डिफाइन किया नहीं हो कि वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी की, अगर अपने बात करें वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी की अगर बात करें एनसीईआरटी के अंदर, जहां पे इनको पूरा कंप्लीट डिफाइन किया हुआ है, अगर आप स्टार्टिंग के अंदर जाकर के देखें, स्टार्टिंग के अंदर अगर आप जाकर के देखते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ, जिन स्टूडेंट्स को पढ़ना है, जैसे मैं जस्ट देख पा रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स को पढ़ना है वो लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि आपका एंथुसियाज्म जो